हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी बज चुके हैं 9। तो सबसे पहले चाय नाश्ता करते हैं। हेलो गाइस, अभी चाय वाय पी चुके हैं और अभी एक लड़का आया है बाहर और सांप लेकर आया है। बोल रहा था कि नाग है, जैसा कि सभी लोग बता रहे थे कि नाग नहीं है। तभी बाहर चल कर देखते हैं कि सांप है या नाग है, अभी आपको भी दिखाएंगे। ओके, तो आइए चलते हैं बाहर। गाइज, हमें लग रहा कि वो नाग नहीं था, वो सांप ही था। अब इसको अपने गले में डाला था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। गाइज, अभी खाना पीना खाते हैं क्योंकि बच चुके हैं 1 और खाना पीना खाकर फिर चलेंगे सीधे अपने मेडिकल पर। तो गाइज, अभी खाते हैं आलू सोया की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइज, अभी खाना पीना खा चुके हैं और अभी चलते हैं अपने मेडिकल पर। तो गाइज, अभी आ चुके हैं अपने मेडिकल पर। गाइज, अभी आ चुके हैं दुकान से अपने घर। और जो हमने कल बाइक का रेडियम निकाला था, उसमें जो टेप था साइड साइड का उड़ा गया था और पूरी तरह से निकल नहीं पाया था क्योंकि वहाँ बाहर गए थे तो वहाँ कोई औजार नहीं था निकालने के लिए टेप को, ना ही चाकू ना ब्लेड। और घर आए थे तब लगभग रात हो गई थी यार, फिर इतना मन नहीं कर रहा था निकलने का। तो अभी आए हैं दुकान से घर, अभी बज चुके हैं 4:30। तो सबसे पहले बाइक का जो टेप है उसको निकाल देते हैं, बहुत बेकार लग रहा है देखने में। उसके बाद जब उसको निकाल देंगे तब थोड़ी बहुत अच्छी लगेगी देखने में। ओके, तभी चलते हैं बाइक के टेप को निकालते हैं। तो गाइस, सबसे पहले निकालते हैं इस टेप को जो कि हमारे बाइक पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता है क्योंकि बहुत ही ख़राब लगता है देखने में और इसके साथ हमारी बाइक भी ख़राब लगती है देखने में। और ये सही से निकल भी नहीं रहा है यार, हम तो पछता ही रहे इसको लगवा कर। जो रेडियम लगवाया था बेकार ही लगवा लिया था इसको यार, और साला फट भी गया कल ही परसों। टेप तो पूरी तरह से निकल ही नहीं रहा है यार, निकल जाए तो पता नहीं इसका क्या चला जाएगा। ये निकल ही नहीं रहा है, देखो पहले चाकू से निकालने हैं इसको। उधर का थोड़ा बहुत निकल गया है, अब इधर का देखते हैं निकाल कर निकलता है या नहीं। निकल जा भाई, इसके साथ हमारे बाइक पर स्क्रैच भी पड़ रहे हैं थोड़े बहुत यार। देखो, आप लोगों को स्क्रैच दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, साथ ही में स्क्रैच भी पड़ रहे हैं। चाकू से निकालते हैं ना तो उसमें धार होती है तो उसी की वजह से इसके जो पेंट है ना उस पर फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत। निकल जाओ भाई, धीरे धीरे निकालते हैं इसको टेप को। ये भाई साहब सभी लोग देखने आए हैं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये भी खड़े भाई साहब निकालते ही रहते हैं, निकालते ही रहते हैं, शायद निकल जाए। हम निकल जाना चाहिए यार, काफ़ी मेहनत लग रही है इसको निकालने में। इसके साथ साथ गाड़ी पर भी फ़र्क पड़ रहा है थोड़ा बहुत, स्क्रैच आ जाएंगे इसके साथ में। देखते हैं शायद निकल जाए यार, कोई तरीका तो होगा। अब इसमें पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल से साफ़ करेंगे शायद निकल जाए। पेट्रोल से इसको साफ़ करेंगे उसे साफ़ हो जाएगा, जो टेप के निशान हैं, टेप के निशान जो हैं पेट्रोल से साफ़ हो जाते हैं, तब इसको साफ़ करेंगे पेट्रोल से। लगता है पेट्रोल भी नहीं है या क्या, इसमें देख लेते हैं। ओ भाई साहब, इसमें पेट्रोल भी नहीं है यार, ऐसे हल्का फुल्का साफ़ कर लेंगे इसको। और अभी दूसरी वाली बाइक से निकालेंगे पेट्रोल, तब इसको साफ़ करेंगे। हमारे बाइक में तो पेट्रोल बचा नहीं है, दूसरे की बाइक से निकालेंगे तब इसको साफ़ करेंगे। जुखाम हो गया है यार इस समय हमारे, थोड़ा बहुत गई साफ़ हो रहा है। देखो आप लोग, ऐसे ही धीरे धीरे इसको साफ़ करते रहेंगे तो ये पूरा साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तब अच्छा लगेगा यार देखने में। ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, भद्दा भद्दा लग रहा है देखने में। इसके निशान तो यार काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पूरी तरह से साफ़ हो जाए तब जानो। वैसे साफ़ तो हो जाने चाहिए यार, वे साफ़ करते हैं। ये लोग खूब चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, अब दूसरे की बाइक से लाए थे पेट्रोल निकाल कर, अब देखो साफ़ करें कैसे चमक रही है बाइक, देखो कैसे चमक रही है। अब इसमें पेट्रोल जो है, पेट्रोल इसमें ज़्यादा लगाएंगे तो ये जल्दी निकल जाएगा। अब इसमें पेट्रोल लगाएंगे थोड़ा ज़्यादा ताकि जल्दी निकल जाए। अभी जब निकल जाएगा तब आपको दिखाएंगे, तब थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और गाइस, पूरी तरह से जो टेप थे वो निकल गया है,
अब हल्के फुल्के निशान रहेंगे, धीरे धीरे जब पॉलिश वॉलिश या धुलाई वुलाई होगी बाइक की, तब वो धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाएंगे। अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है बाइक को देखने में, अब अच्छी लग रही देखने में है यार, वैसे बेकार लग रही थी देखने में। तो गाइस अभी बज चुके हैं 8:30 और अभी चलते हैं सीधे अपने मेडिकल पर। गाइस अभी आ चुके हैं अपने मेडिकल पर। गाइस अभी आ चुके हैं मेडिकल से अपने घर और अभी खाना पीना खाते हैं क्योंकि बज चुके हैं 11। गाइस अभी खाते हैं खिचड़ी। तो गाइस अभी डिनर हो चुका है और अभी बज चुके हैं 11:30। तो यार फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।